पार्टी के पास शेयर किया था। मेरे समझा था कल दिल्ली में मीटिंग उसके बारे में उनका डेमो भी दिया जाएगी। वो कमीशन पब्लिक के सामने रखती है, पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखकर ये पॉसिबल है, ताकि हम लोग का माइग्रेशन होती है उसका वापस आने के लिए मौका नहीं रहती है उसका, इसे उनका रिमोट में भी वोट कर सकते हैं। ये बेसिकली अभी डेमो पर्पस डिस्कशन पर्पस के लिए, उसी हिसाब से हम लोग का कानून में भी परिवर्तन अवश्य करना पड़ेगी। अभी देश में एक सहमति बनती है उसी हिसाब से कानून में परिवर्तन होता है, मतलब वो हो सकते हैं। अभी डिस्कशन चल रही है, वो पब्लिक फाइनल देश का क्या डिसीजन होगा उसी हिसाब से वो इसे क्या 67 के आसपास रहती है। ये कहां पर कौन सा देश में कंपल्सरी वोटिंग नहीं है वहां पर 67 मोटा मोटी ठीक माना जाता है, लगभग 80% हो जाएगी, अच्छा पार्टिसिपेशन माना जाता है। कहां पर कंपल्सरी वोटिंग नहीं, इंडिया में कंपल्सरी वोटिंग नहीं, कुछ देश में कंपल्सरी वोटिंग है। इसे वोटिंग परसेंटेज का और बढ़ाने के लिए कैसा कर सकता उसी का ध्यान कर सकता। वो कमीशन भी तैयारी कर लिया, हम लोग भी कमीशन हम लोग भी तैयार कर लिया उसी को, उसका संबंध में कल भी हमें रिव्यू के लिए जा रहा है रामगढ़, इसलिए कमीशन भी हम लोग के पास कुछ प्री इलेक्शन का पहले डेटा मांगते वो भी हम लोग प्रोवाइड कर लिया। इसे 6 महीने का अंतर्गत करना है, कभी भी इलेक्शन हो सकता है। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स